भागलपुर जिले के एसएसपी आशीष भारती का तबादला होने को लेकर जिले में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में सैंडिस कंपाउंड मैदान स्थित निशुल्क पुलिस पाठशाला में एसएसपी आशीष भारती की विदाई का समारोह आयोजन किया गया और दरोगा बहाली के अभ्यर्थियों ने एसएसपी को बुके देकर नए साल की शुभकामनाएं दी। एसएसपी ने बताया कि जिले में करीब 2 साल से ज्यादा कार्यकाल रह चुका है, बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए थी वह किए और भागलपुर वासियों के लिए अच्छा सहयोग मिला जो कभी भूल नहीं पाएंगे और हमेशा याद रखेंगे। यहां से जाने के बाद रोहतास में भी पुलिस पाठशाला की शुरुआत की जाएगी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद एसएसपी ने सभी अभ्यर्थियों के साथ मैदान में दौड़ लगाई। बिहार के लिए भागलपुर से सुशील कुमार महसूस होगी फिर यहाँ से। बिल्कुल, भागलपुर में करीब 2 वर्ष 8 महीने का कार्यकाल रहा और सभी लोगों के सहयोग से, आम जनता के सहयोग से, यहाँ के जो नागरिकगण हैं उनके सहयोग से जो बेहतर यहाँ पे व्यवस्था कायम की जा सकती थी उसको करने का प्रयास किया गया और उसमें काफ़ी सफलता मिली। खास करके जो विधि व्यवस्था संधारण में काफ़ी लोगों का सहयोग मिला और पिछले जो 2.5-3 साल का जो कार्यकाल रहा है उसमें कोई भी बड़ी घटना घटित नहीं हुई। अपराध सभी संबंधित सभी मामले उत्पीड़ित हुए और खास करके पुलिस पाठशाला का जो हम लोगों ने संचालन किया उसके माध्यम से जो भी हमारे भागलपुर के युवा उससे जुड़े उनको काफ़ी उससे मदद मिली और पिछले जो एग्ज़ाम संपन्न हुए हैं उसमें उनका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा और कई जो युवा हैं वो सफलता हासिल किए। उसी प्रकार से अभी भी वर्तमान में जो उनकी ट्रेनिंग चल रही है चाहे इंडोर की हो या आउटडोर की और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो भी इससे जुड़े हुए हैं वो बहुत ही टैलेंटेड हैं और वो ज़रूर सफलता हासिल करेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं और भागलपुर हमेशा से एक विशेष उसका स्थान हमारे लिए है और आगे भी रहेगा। भागलपुर सर कितना याद रहेगा? बिल्कुल, बहुत बहुत याद रहेगा। सर रोहतास जा रहे हैं, सर वहाँ भी पुलिस पाठशाला की ओपनिंग किया जाएगा? बिल्कुल, वहाँ पे जाने के बाद पहले सभी लोगों के साथ बैठक करके अगर मतलब इसको स्टार्ट करने का वहाँ पे प्रयास किया जाएगा।